सिर्फ फाइट लेने के लिए बैठे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज ये यहाँ पर 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं जैसे बोला था कि 9 मिनट के अंदर हमें सारी फाइटें यहीं पे देखने को मिलेंगी, वही हुआ। एंटिटी के लिए खुश हुई हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट टेस्ट को नॉकआउट किया और काफी हद में अपने एम पावर का प्रदर्शन दिखाया। आई एम जस्ट श्योर कि गेम नंबर 2 के अंदर दे विल बी कमिंग बैक वेरी स्ट्रॉन्गर एंड आई होप सेम विद गोज विद सोल, बिकॉज वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिक गोल्ड बॉय ने यहाँ पे BTR के ज़क्सी को नॉकआउट किया और खत्म कर दिया। यही है खासियत इस मैप की, यहाँ पर आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। बट फिर से राइजन ने यहाँ पे एक और किल कंप्लीट की थी, वो है ऑरेंज के लिए, और ऑरेंज 11th पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। दिस इज लुकिंग वेरी स्केरी। अभी तक आर आर क्यू के मुझे प्लेयर हमेशा ब्लू जोन में दिखे हैं, आर आर क्यू के प्लेयर अभी तक गन्स का तो यूज कर ही नहीं पाए। D2E ने यहाँ पे यूनिक के किट्स होने का यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। एंटिटी अमन नीड टू रोटेट वेरी फास्ट, उनके जस्ट राइट में टेस्ट के दो प्लेयर हैं और उनके सामने ईयर्स हैं। आर आर क्यू 10th पोजीशन पे, द माइटी टाइटन हैज फॉलन ऑन द 10th पोजीशन, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। 9th पोजीशन पे निकलते हैं एंटिटी। दोनों इंडियन टीम पहली गेम से बाहर हो चुके हैं, क्या बोलना था इस पे? आई गेस यू नो दिस इज समथिंग जो यू नो हम लोग चाहते नहीं थे, बट देन यू कांट हेल्प इट, यू नो सिचुएशन ऐसे हो जाता है। बट यस, स्टिल 15 गेम्स टू गो। यहाँ पे टेस्ट की टीम काफी अच्छा खेली है, चारों बंदे अभी सर्वाइव कर रहे थे, 6 किल ऑलरेडी अपने खाते में ले चुके थे। C9 की टीम दो बंदे खो बैठे हैं, काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो गया। लास्ट में 6 जोन में आ चुके हैं, सिर्फ 13 लोग बचे हैं पर 60 टीम बचे हैं, काफी सारे प्लेयर्स टेस्ट के जोन के बाहर है। तो आई गेस उन लोग वहाँ पे फिनिश ऑफ होने की हाई प्रोबेबिलिटी। मेगा समो सर्वाइव कर चुके हैं, BTR सर्वाइव कर चुके हैं, बट आप अगर देखो जो टीम्स अभी काफी एडवांटेजेस पोजीशन में, वो है टीम यूनिक, टीम ARW और टेस्ट। तो आर वी गोइंग फॉर यू नो एक चेंज इन द एंटायर ग्लोबल सिनेरियो, की ग्लोबल में जो टीम्स हमेशा हम देखते थे साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइनीज टीम्स का दबदबा रहता था, क्या वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा? यहाँ पे ARW के वूवर शायद स्पॉट कर चुके हैं फिर पायरा को, एंड बहुत ही जल्द एंड वहां पे वो नेड आया, तो डेफिनेटली उसने यू नो ये पूरा स्कोप इन करके रखा। टैप फायर लेने की कोशिश, अनइवन को रिवाइव करने जा रहे हैं पायरा, एंड उनको केयरफुल लेना चाहिए। वहां पे लक्सी अपने M416 अकेले सर्वाइव करे अपने टीम के लिए, वहां पे शायद यूनिक के ओल्ड बॉय को पिक ऑफ करेंगे। उनके पास M416 है, उनका हेलमेट काफी डैमेज है, तो उनको इस चीज का उनको ध्यान रखना होगा। नो ड्रिंक्स ऑन हिम, तो खुद को 75% HP से ऊपर नहीं कर पाएंगे। अगर हम जोन की बात करें तो जोन ARW को काफी ज्यादा फेवर कर रही है, ARW की टीम को एंड ऑल्सो C9 की टीम को। तो आप देखते हैं यहां से गेम क्या बनता है। 5 टीम 9 प्लेयर, पहला गेम PUBG मोबाइल क्लब ओपन फॉल स्प्लिट के ग्लोबल फाइनल्स का। एंड ये मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे स्क्वाड मैचअप है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोलो डू चलेंगे। और यहाँ पे काफी क्लोज फाइट थी यहाँ पर, और बिल्कुल आसपास ही उनको प्रोन करके बैठे थे, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सामने हो सकते हैं। बट वहाँ पे लास्ट मोमेंट में टेस्ट के ईयर्स उठते और यहाँ पे आसपास के प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया। लक्सी ने यहाँ पे यूनिक बॉय को खत्म कर दिया। यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्लाउड 9 रहती है, टॉप 3 पोजीशन यहाँ पे कंफर्म आ चुकी है। ARW के जीते के चांस होंगे, एक में नॉकआउट, अगर ये रिवाइव हो जाता है देन उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बट वहीं पर अगर आप बात करेंगे टेस्ट की, टेस्ट ने 7 किल्स निकाल लिए हैं, 7 किल्स के बाद अब उनके दो पेयर बचे हैं, उनके हाई चांसेस हैं, दे कैन बी योर नंबर 1 चिकन डिनर टीम, बिकॉज ये टीम ने कोई मैच नहीं खेला, ये स्प्रिंग ब्रेक चैंपियन है। दे गॉट अ डायरेक्ट इनवाइट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, टू रिप्रेजेंट चाइना इन फॉल्स ब्रेक ग्लोबल फाइनल। तो भाई उस चीज की इन्होंने बिल्कुल लहजा रखी है। यहाँ पे लक्ष्य ने यहाँ पे लैपिस को इंस्टेंटली नॉकआउट करके खत्म कर दिया, एंड द वॉर इज बिटवीन नाउ टेस्ट एंड BTR। पर एक बात और है, यहाँ पे BTR के लक्सी जो कि वन मैन सर्वाइव कर रहा है, वो ऑलमोस्ट ही इज ऑलमोस्ट अ वन मैन आर्मी, तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है, वो यू नो स्किल सेट है कि वो यहाँ पे टीम गेम को क्लच कर पाए। यहाँ पे अगर टेस्ट और ARW के बीच फाइट हो जाती है तो लक्सी को बहुत ही बेखूबी पता है कि किस तरह से उनको थर्ड पार्टी करना है, किस तरह से उनको बाकी दोनों टीम्स को एलिमिनेट करके अपने लिए चिकन डिनर निकालना है। बट यस, सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। टेस्ट टॉप ईस्पोर्ट्स एज यूजुअल यू नो पहले गेम चिकन डिनर अगर निकाल लेती है तो, एंड वो भी चेंज रोस्टर के साथ, यू नो ये रोस्टर यू नो कि चेंज रोस्टर है, चेंज रोस्टर के साथ आए हैं फॉल स्प्लिट स्प्रिंग स्प्लिट जीतने के बाद, एंड यहाँ वापस अपना बहुत ही बेहतरीन रन। बट यस, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी यहाँ पे इल्यूमिनेट, मेगा, ऑरेंज काफी अर्ली एग्जिट लिए थे, BTR अभी भी होल्ड कर रही है, यू नो वो साउथ ईस्ट एशिया के जो प्राइड जिसको आप बोल सकते हो उनको अभी भी होल्ड करने की कोशिश। बट यस, यहाँ पे टेस्ट के यर्स एंड शेप कैक इन लोग होल्ड करते हुए। जोन की अगर बात करें, जोन लक्सी को काफी ज्यादा फेवर करता है, बल्कि ये जो ARW की टीम है उनको धीरे धीरे यू नो प्रोन करके जाना होगा। यहाँ पे क्रेजी गोरी ड्रॉप होते हुए टेस्ट के यर्स, एंड आई गेस उनका दूसरा प्लेयर बी स्पॉट हो गया, यर से नोटिस किया गया उनको डैमेज लगा। वहां पे लक्सी फिनिश ऑफ करते हुए 2v1 का सिचुएशन, वहां पे लक्सी ने पिक ऑफ किया शेप के कैको, एंड क्या लक्सी यहां पे अपने टीम के लिए क्लच कर पाएगा, एंड यहां पे BTR के लक्सी अपने टीम के लिए चिकन डिनर शायद यस निकालते हुए 6 किल के साथ सोलो मैन सरवाइव कर रहे थे। BTR काफी जल्दी काफी लोगों को खो बैठे थे, $5,000 बेहतरीन गेम प्ले, मतलब BTR लक्सी क्या खेल ही प्ले लाइक अ वन मैन शो, बिकॉज काफी टाइम्स अकेले प्लेयर थे जब 9-16 प्लेयर भी जिंदा थे। 28 पॉइंट सेकंड पे आती है
आपकी टॉप स्पोर्ट 14 पॉइंट्स इनके प्लेसमेंट है, वहीं पर किल पॉइंट्स इनके आए 8, तो 22 पॉइंट। उसके बाद आते हैं 16 पे ऑल रिजेक्शन गेमिंग, ईजीसी केकेआर ब्लैक 14 पे, टीम यूनिक 11, मेगा 9, क्लाउड 9 9, आरआरक्यू अथीना, ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था, छठे 10वें नंबर पे निकले थे आरआरक्यू के प्लेयर्स, तो दे कैन क्लाइंब अप नो डाउट। बट हाँ, टॉप 8 के अंदर 3 हमें सी दिख रही है, एक चाइना है और अकेला रीजन सी है जो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। अब जो अगला पेज आएगा, अभी 9th पे क्वेसो आती है साउथ अमेरिका से, जिनके पास टोटल 5 पॉइंट है, एंटिटी के पास भी 5 है, कर्ट स्कॉट से लेकर जो ऑरेंज तक है सब क्या पॉइंट देखिए, एक एक नीचे से 3 3 4 5, तो सोल दे हैव टू डू गुड कॉज एक पॉइंट के साथ मेरे हिसाब से काम नहीं चलने वाला। आई गेस यहाँ पे डू गुड की बात नहीं है क्रेट भाई, हमने लास्ट स्प्रिंग में भी देखा था टीम 2-2 स्प्लिट में रहती है, दे डोंट डू इट इन द डोमेस्टिक सर्किट, दे गो ग्लोबल एंड तब उन लोग ये चीज करते हैं। आई बिलीव इस टूर्नामेंट में द टीम्स दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ऐसी स्ट्रेटेजी एकदम वर्कआउट नहीं करते, आप पिक ऑफ होते रहोगे।